नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने YouTube चैनल मेहतपन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो SSC CHSL 2022-23 की जो बच्चे टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा CGL 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, चूँकि टाइपिंग सभी को देनी है। जो CHSL वाले बच्चे हैं उनकी 26 जून को ही टाइपिंग है, चूँकि अब जब से पैटर्न आपका चेंज हुआ है आपकी टाइपिंग और आपका जो एग्ज़ाम है टीयर 2 का वो सेम डे पे होगा। तो यहाँ पे आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं और ढेर सारे स्टूडेंट को इस बारे में कन्फ्यूज़न होता है। सबसे पहली बात कि टाइपिंग में जो आप जब टाइपिंग करोगे तो बैक स्पेस और जो स्पेस हैं क्या ये फिक्स होते हैं या कितने भी बार आप यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो स्पेस हैं वो कभी कभी स्टूडेंट की ये शिकायत रहती है कि बाद में उनका स्पेस जो बटन है वो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जब स्पेस बटन काम नहीं करेगा तो जितने भी आगे का जो कंटेंट है वो आपको जो टाइप करोगे तो विदाउट स्पेस आपको टाइप करना पड़ेगा। जब आप विदाउट स्पेस टाइप करोगे तो वो जितना भी पोर्शन आपने विदाउट स्पेस टाइप किया है वो आपका हाफ एरर में काउंट होगा। तो इससे आप कैसे बच सकते हो, कैसे किस तरीके से आपको मतलब क्या जुगाड़ है ताकि आपके जो स्पेस है वो कम ना पड़े और जितना भी कंटेंट आप टाइप करो उसे सही तरीके से आप टाइप करके आओ, तो इस पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ये कंटेंट देख पा रहे होंगे, इस तरीके का आपका कंटेंट रहता है। ये CHSL 2018 का पैसेज है। CHSL 2018 का मैं आपको पैसेज दिखा रहा हूँ। जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल फ्लो में होगा, मतलब SSC का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, ठीक है। सिंपल कंटेंट होता है और आपको सिंपल कंटेंट को ही प्रैक्टिस करनी है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशल करेक्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो कंटेंट है उसकी आप प्रैक्टिस करो। आप ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जो SSC के पैटर्न पर बेस्ड हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने कम्प्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है जो कि बिल्कुल SSC के पैटर्न पर है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हम यहाँ पर आपको 250 एक्चुअल जो पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बिल्कुल SSC के जैसा है। उसके अलावा जिस तरीके से SSC में आपको 3 बार कंटेंट स्क्रॉल करके टाइप करना होता है तब आपका कंटेंट कंप्लीट होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको एक्चुअल आपकी स्पीड बताता है और जो ये स्पीड काउंट करता है वो बिल्कुल SSC के मेथड से काउंट करता है। तो इसका जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो लेके आपको ये पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा आप अपना बेस्ट और मिनिमम प्लान ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो इस तरीके का आपका कंटेंट होगा। अब दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बैक स्पेस। तो बैक स्पेस क्या आपके फिक्स होते हैं या आप कितने भी यूज़ कर सकते हो। देखो, बैक स्पेस की अगर हम बात करें तो बैक स्पेस की कोई भी पाबंदी नहीं होती। बैक स्पेस आप कितने भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैक स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ करो। देखो, जितने आप बैक स्पेस यूज़ करोगे, जितने बार कंटेंट को आपको रिमूव करना पड़ेगा वो आपकी स्पीड को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि बैक स्पेस आपको यूज़ करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, बैक स्पेस आप कितने भी यूज़ कर सकते हो, बैक स्पेस आपके लिमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल गया होगा, लेकिन ये आपकी स्पीड को अफेक्ट करता है। तो फोकस आपको, जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो फोकस आपको किस चीज़ पे करना है, अपनी एक्यूरेसी पे करना है। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्पीड पे फोकस करते हैं। आप एक्यूरेसी पे फोकस करो, 10 दिन आप फोकस करो एक्यूरेसी पे कि मुझे 100% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग करनी, भले 10 की स्पीड आए 15 की स्पीड आए कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन एक्यूरेसी आपकी बन जाएगी उस दिन स्पीड आराम से बन जाएगी। तो पहला क्वेश्चन ये कि बैक स्पेस लिमिटेड होते हैं या नहीं होते हैं। तो बैक स्पेस आप कितने भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम बात करें स्पेस की तो स्पेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, आपके स्पेस जो होते हैं फिक्स होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये कंटेंट है, ठीक है आपका, अब क्यों कम पड़ते हैं उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा और कैसे बचा सकते हैं उसको भी बताऊँगा आपको, ठीक है। जैसे कि ये कंटेंट है, अब यहाँ पर आपको स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग के बाद स्पेस देना है, ए आपने प्रेस किया उसके बाद स्पेस देना है, स्पेसिफिक है उसके बाद। तो स्पेस जैसे कि यहाँ पर 1750 स्ट्रोक का कंटेंट है, तो यहाँ पे जितना स्ट्रोक का कंटेंट है उसके हिसाब से स्पेस दिए होंगे, ठीक है। तो आप अगर मान लेते हैं कहीं पे आपने डबल स्पेस दे दिया, ठीक है, या किसी वर्ड को आपने डबल टाइप कर दिया या आपने लाइन रिपीट कर दी, तो ये बाद में क्या होते हैं, ये स्पेस तो फिक्स है, आपने ऊपर अगर ज़्यादा यूज़ कर लिए तो ये आपके बाद में कम पड़ जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले क्यों ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, अब इस वजह से आ रही है। देखो, पहले क्या होता था कि SSC आपको 1800
इवन एसएससी ने 2017 में 2100 तक की स्ट्रोक दिए। तो क्या होता था कि जब इतने की स्ट्रोक मिलते थे आपको तो टाइप तो 1750 ही करना है, और आपसे मैं ये कहता हूँ कि 1750 की स्ट्रोक आपको टाइप करना है, आप मैक्स से मैक्स 1800 कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। अब जो कंटेंट आपको मिल रहा है एसएससी में वो 1750 ही आपको देते हैं, मोस्टली जो आ रहे हैं कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो 1750 ही उसमें की स्ट्रोक दिए जा रहे हैं, तो इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। पहले क्या होता था कि 2000 तक मिलते थे, आप 1750 या मैक्स 1800 तक पहुँच गए तो आपको स्पेस की कमी नहीं होती थी। स्पेस की कमी कब हो रही है, जब आपको फिक्स 1750 मिल रहे, तो आपको 1750 फिक्स आपको की स्ट्रोक मिल रहे, तो आपने अगर स्पेस कहीं पर डबल टाइप कर दिया या किसी वर्ड को आपने मतलब रिपीट कर दिया, लाइन रिपीट कर दी, तो उससे क्या होगा, बाद में आपका स्पेस जो है वो कम पड़ जाएगा और आपको जितना भी कंटेंट है वो विदाउट स्पेस टाइप करना पड़ेगा। जब आप विदाउट स्पेस टाइप करोगे तो वो सारा का सारा हाफ एरर में काउंट होगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है, जो चीज़ें आपको एग्जाम में करनी है उसकी प्रैक्टिस घर पे करो। आपको सबसे पहले क्या करना है, कंटेंट को आपको रिमूव करने पे पहले फोकस नहीं करना है कि कहाँ पे गलती हो गई, उसे पहले रिमूव कर दो। पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप स्टार्ट करो और स्टार्ट से लेकर के एंड तक 1750 तक आप टाइप करो, फिर देखो अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर कम पड़ रहे हैं तो जब आपने पूरा कंटेंट टाइप कर लिया फिर इसे चेक करो कि कहाँ पे गलती हो रही है। जैसे मान लेते हैं जहाँ पे आपने दो स्पेस अगर आपने दबा दिए तो स्पेस को बचा भी सकते हो, जैसे कि दो स्पेस दबा दिए आपका काम नहीं कर रहा, मान लेते एक स्पेस काम नहीं कर रहा, तो आप अगर यहाँ पे उसका करेक्शन कर दोगे, स्पेस को अगर रिमूव कर दोगे, तो यहाँ वाला स्पेस आपका जो आपने डबल किया था प्रेस, वो उसका यूटिलाइजेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। मतलब जितना आप करेक्शन ऊपर करते जाओगे स्पेस में देख के मतलब उसको करेक्ट करते जाओगे, उतने ही आपके स्पेस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं आपने चार स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज़ कर लिए, तो उनको अगर आपने करेक्शन कर दिया तो नीचे चार स्पेस आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बचा सकते हो। तो बचाने का तरीका क्या है, पहले कंटेंट पूरा टाइप करो, अगर बाद में दिक्कत आ रही है तो देखो कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे डबल स्पेस यूज़ किया, तो उसे आप रिमूव कर सकते हो और फिर नीचे आपका स्पेस जो है आप दे सकते हो। तो ये तरीका है बचाने का, बाकी इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। उसके अलावा आपका जो कंटेंट है वो सिंपल होगा, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल करेक्टर नहीं आएंगे, कंटेंट फ्लो में होगा, आपको लाइन जो है वो भी आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी, लाइन चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कंटेंट फ्लो में होगा, आपको बस टाइप करना है, ठीक है। उसके अलावा टैब वगैरह इस सब का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बाकी आप यूज़ कर सकते हो, आपका कंटेंट बिल्कुल फ्लो में होगा, ठीक है। तो फोकस करना है आपको कि आप शुरुआत करो, और जब शुरुआत करो तो एक मिनट स्लो आप टाइप करो, उसके बाद जब रिदम बन जाएगी आपकी तो उसके बाद आराम से आपकी जो टाइपिंग है वो क्वालिफाई हो जाएगी। तो बैक स्पेस लिमिटेड होते हैं या नहीं होते इसका भी आंसर मिल गया होगा। तो बैक स्पेस आपके मतलब अनलिमिटेड होते हैं, आप कितना भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पेस जो है वो लिमिटेड होते हैं, उनको कैसे आप बचाओगे, क्यों कम पड़ जाते हैं, उन सब क्वेश्चंस का आपको आंसर यहाँ पे इस वीडियो में मिल गया होगा। उसके अलावा और भी ढेर सारी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो चूंकि सीजीएल वाले बच्चों को भी टाइपिंग देना है और सीएचएसएल वाले बच्चों की टाइपिंग तो 26 जून को होगी, तो दोनों के लिए ये बात बहुत काम की है, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमने आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया है वो हमने इसीलिए डिज़ाइन किया है ताकि मतलब आपको एसएससी के पैटर्न पर जिस तरीके का कंटेंट एसएससी में आपको मिलता है वैसा आपको इंटरफेस प्रोवाइड कराया जाए। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हमने यहाँ पे आपको सारे के सारे एक्चुअल जो पैसेज हैं वो प्रोवाइड कराएं, जो इंटरफेस दिया है वो बिल्कुल एसएससी के जैसा दिया है। तो इस पर आप प्रैक्टिस करिए, 100% आपका टाइपिंग जो है वो क्वालिफाई होगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है, तो डेमो जरूर लीजिएगा, उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये सॉफ्टवेयर आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताता है, स्पीड जो काउंट करता है वो एसएससी के मेथड से करता है। उसके अलावा जो पैसेज हैं वो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, सेलेक्ट करने से क्या होता है पैसेज आपको याद हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैसेज रैंडमली आएंगे, तो बहुत खासियत है इस सॉफ्टवेयर की, आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब डेमो लोगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है या पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट अपना इसी नंबर पे आपको भेजना है, अगर डेमो लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो पाए होंगे, इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीख पाए होंगे, करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।